द्वारा देश सेवा के लिए बच्चों की तैयारी करवाने की मुहिम रंग ला रही है, जिसमें अन्य लोग भी अपना योगदान देने के लिए जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में पार्षद राकेश गुज्जर ने सेना की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए ट्रैक बनाने की घोषणा की है। तो वहीं MBBS डॉक्टर रवि ने भी सेना की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए फ्री परामर्श सेवा देने की बात कही। आपको बता दें कि पूर्व सैनिक लगातार क्षेत्र के बच्चों को ट्रेनिंग देकर देश सेवा के लिए तैयार कर रही है। उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फौज में भर्ती और देश सेवा करें। पूर्व सैनिक अपने खर्चे से ही बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देते हैं और अपनी पेंशन के पैसों से बच्चों के लिए ट्रेनिंग का सामान खरीद कर उन्हें तैयार कर रहे हैं। उनकी इस मुहिम को देखते हुए शहर के गणमान्य लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगे हैं। My name is Dr. Ravi और अभी मैं एक अपना क्लिनिक रन कर रहा हूँ लाइफ केयर हॉस्पिटल नाम से। नहीं, बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। हमारे नायक सूबेदार साहब जो हैं वो बहुत कुछ अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, पर स्टिल कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पर कुछ लोगों के मेरे क्लिनिक पर टेस्ट किए जा सकते हैं, देखा जा सकता है और उनको बदला जा सकता है। कुछ सप्लीमेंटेशन चेंज करना है। मैं बहुत ज़्यादा गौरव महसूस करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यवान हूँ। मेरे वार्ड में अपना मुकेश सुवेदार जो भाई अभी पीछे रिटायरमेंट हुआ है और ये सैनिक परिवार से, इनके पिताजी भी सुवेदार रहे हैं। ऐसे परिवार से देश की सेवा करने के बाद आज ये बच्चे इनकी सेवा कर रहे हैं। निःशुल्क सुबह 5 बजे से दोनों टाइम निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। सब बच्चे के जो मैं देख रहा हूँ, इतने जवान खड़े हैं जो सारे ही हमारी कॉलोनी से ज़्यादातर संबंध का परिवार है। ये हमारा कई का वेट 45 किलो था, 35 रहेगा, कई का 90 है उसको 85 रहेगा। इतना सारे बच्चे इन पर मेहनत करी है। ये मेरा इनका 3rd-4th प्रोग्राम है इनके साथ। और जो हमारे डॉक्टर भाई हैं रवि, ये इतनी बढ़िया सोच के हैं। बहुत गरीब परिवार से थे, अपनी मेहनत और ईमानदारी से आज MBBS करके हमारे बीच में हैं। और ऐसी अच्छी सोच के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ हमारे वार्ड में। यहाँ एक वार्ड नंबर 40 गहूँ और 35 होता था, यहाँ ऐसी मान मूर्ति नहीं होती थी जो इस तरह के हमारे समाज को ज़रूरत है। क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये कल हमारे देश का हमारा भविष्य है। इनमें जितनी अच्छी योग्यता हम लोग डाल देंगे, ये हमारे दोनों भाई हैं, इनका मैं यहाँ पहुँचने पर इन बच्चों का और सभी भाइयों का इसमें सहयोग करने की भी मैं एक लोगों से अपील करता हूँ। अच्छे काम में, मैं इसी काम के लिए, कोई भी अच्छा काम हो उसमें सब भाई ने सहयोग करना चाहिए। अच्छी बात लोगों के एक दूसरे के मैसेज देना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी करनी चाहिए कि अच्छे आदमी ये सारे बच्चे अच्छे बनेंगे। मैं तो इसके भविष्य की कामना करता हूँ और भाई मुकेश को, अपने रवि डॉक्टर भाई को ऐसा आश्वासन देता हूँ कि मैं आपके साथ 24 घंटा खड़ा हूँ। कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, सुख में दुख में, कई बच्चे कैसी भी कोई परेशानी है, मैं आपके साथ। बहुत खुशी की बात है कि हमारे डॉक्टर साहब MBBS यहाँ पर आए और बच्चों को, कुछ ऐसे बच्चे हैं इसमें इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, कुछ चेन पेन हो रहा है, इस पर चिनअप नहीं लगती है, उन बच्चों को सभी ने गाइड किया डॉक्टर साहब ने कि क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं पीना, सब कुछ बताया। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, इससे मदद मिलेगी। जो बच्चा हाइट ग्रोथ नहीं कर रहा है उसकी हाइट ग्रोथ होगी, जो पुलअप चिनअप नहीं कर पा रहा है उस बच्चे को उसमें मदद मिलेगी, जिसके पैर में दर्द रहा है उसको दर्द नहीं होगा। उसने सारा कुछ बताया डॉक्टर साहब ने कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। और ये हमारे इस वार्ड के गुर्जर जी और सबके कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी आ रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। इन बच्चों को बहुत अच्छी मदद मिलेगी जो डॉक्टर साहब ने बताया है।